नमस्कार, दिनेश पाराशर के साथ मैं आशीष शर्मा ब्रह्म पुष्कर न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जोगणिया धाम प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने 100 परिवारों को वितरण की खाद्य सामग्री। तीर्थ नगरी पुष्कर में जब से लॉकडाउन चला है तब से हर पल हर वक्त मानव सेवा में तत्पर रहने वाली जोगणिया धाम प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मंगलवार को 100 परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण की गई। ट्रस्ट के संरक्षक भवनलाल वर्मा ने बताया कि जोगणिया धाम प्रभाती देवी ट्रस्ट का एक ही प्रमुख उद्देश्य है कि मानव सेवा के प्रति समर्पित, लॉकडाउन के अंदर कोई भूखा नहीं सोए। इसी उद्देश्यों को लेकर जब से लॉकडाउन चला है तब से ट्रस्ट की तरफ से पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में समय समय पर असहाय और गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री, तो वहीं फुटपाथ पर रहने वाले साधु संतों को भोजन सामग्री वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई घर में 3,000 रुपये जमा कराए गए ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे। इस अवसर पर अजमेर के मनोहर बैंड के लोगों को भी खाद्य सामग्री वितरण की गई। उन्होंने बताया कि बुद्ध पूर्णिमा पीपल पूनम पर अवसर पर 1,000 किलो आटे के कट्टे और भोजन सामग्री किट वितरित की जाएगी। प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट पुष्कर बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा के दिन जोगणिया धाम प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट पुष्कर द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के कमजोर, गरीब, जरूरतमंद परिवारों को 10-10 किलो के आटे के 100 कट्टे 100 जरूरतमंद परिवार को वितरित किए गए। इसके साथ ही कच्ची भोजन सामग्री के किट भी वितरित किए गए, जिसमें शक्कर, चावल, दाल, मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक, तेल और चाय की पत्ती आदि हर तरह की सामग्री शामिल थी, तथा मनोर बैंड अजमेर के 35 बैंड बजाने वाले कारीगरों को तथा शेष पुष्कर व कड़ेल पंचायत के व्यक्तियों को वितरित किए गए। ज्ञात रहे जोगणिया धाम प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट गत वर्ष के लॉकडाउन से ही ट्रस्ट सेवा कार्य कर रहा है। इस अवसर पर सचिव प्रशांत वर्मा और प्रवक्ता संजय जोशी भी मौजूद रहे। उसी क्रम में दिव्यांग जन सेवा में अग्रणी है ज्योतिर्गमय सेवा संस्थान पुष्कर द्वारा जरूरतमंद व दिव्यांग जन परिवारों हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी करने के उपरांत पुष्कर तहसील और पिसांगन पंचायत समिति के अलावा अजमेर शहर से भी नियमित जरूरतमंद और दिव्यांग जन परिवारों के फोन कॉल आने लगे। इसी के चलते आज अजमेर शहर के फायसागर व मेवो गर्ल्स कॉलेज के पास की बस्तियों के दिव्यांगजन परिवारों एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री के किट कार्यकारिणी सदस्य एवं जाने माने समाज सेवी भरत ताराचंद, प्रीतम ओझा, राहुल बंजारा द्वारा वितरित किए गए। गौरतलब है कि संस्थान के हेल्पलाइन नंबर पुष्कर तहसील व पिसांगन पंचायत समिति में ही वितरित किए जाने हैं। दिव्यांगजनों ने अपनी निःशक्तता व आवश्यकता बताने के लिए संस्थान को विकलांगता प्रमाण पत्र भिजवाकर राशन सामग्री देने की अपील की है। पुलिस मित्र टीम ने नागौर जिले के आसन से पकड़ा अजगर। सूचना प्राप्त होते ही पुष्कर थानाधिकारी राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में आमजन व मानवता की रक्षा करने हेतु तुरंत ही पुलिस मित्रों को नागौर जिले के आसन जाने हेतु अनुमति दी। इंचार्ज अमित भट्ट के साथ स्नेक रेस्क्यूअर राजेंद्र बच्छानी, सांवरा शर्मा, मुकेश देवड़ा, हीरालाल मीणा, अजय नाथ, मदन नायक तुरंत आसन के लिए निकल गए। आसन गांव में राकेश के घर पहुंचकर अजगर को तलाश किया गया, जो शीघ्र ही एक बिल में छुपा हुआ मिल गया। पुलिस मित्रों ने बिना समय गवाए अजगर को पकड़कर क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचाई। ग्रामीणों ने पुलिस मित्र टीम का आभार प्रकट किया व उनके सेवा कार्यों की सराहना की। और यहाँ बुलाया और उनको सुरक्षित छुड़वाने के लिए उनके पास पैक करवा के वो ले जा रहे हैं। और हमने जो हमारा डर का दहशत माहौल बना हुआ था वो ख़त्म हो गया है। ये कौन सा जिला था? ये नागौर जिला है। आपका नाम? मेरा नाम विश्राम कुमार है। जी आज फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नागौर जिले के आसन गांव के अंदर एक अजगर है और पिछले 3 दिनों से ग्रामीणों को परेशान कर रहा है, और जिसकी वजह से ग्रामीणों में और बच्चों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया था। सूचना मिलते ही थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी से अनुमति प्राप्त करके
पुलिस मित्र की टीम नागौर के लिए रवाना, नागौर जिले में थावला के नज़दीक आसन गांव के लिए रवाना हुई और करीब 10 मिनट का सर्च ऑपरेशन करने के बाद में बिल में छुपे हुए अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़कर सभी ग्रामीणों को भयमुक्त किया और उसके बाद में वन विभाग के अधिकारियों के निर्देश के ऊपर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया।